अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इसकी रेसिपी बीफ कौरमा। हम बताइए, ये हमने गोश्त लिया, बड़े का गोश्त। आज हम बना रहे हैं बीफ कौरमा। ये हमने इसमें हड्डियाँ दी है, हड्डियाँ भी शामिल ले और बोटियाँ दी है। ये हमने 1 किलो के करीब इतना गोश्त लिया है। ये प्याज है, उसको हमने लच्छे की तरह काट लिया है और ये 1/2 किलो प्याज लिया हमने। ये दही है, ये 1 पाव दही है। ये शाम जो कौरमे में जाएगा तो ये कौरमा मसाला है शाम का। और ये लहसुन अदरक है, 2 चम्मच पेस्ट है। और ये गरम मसाला है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने 1 प्याली ऑयल लिया है। अब इसको डालेंगे कुकर में। हम बनाएंगे क्योंकि गोश्त कुकर में गलेगा। गर्म होने देते हैं, इसमें फिर प्याज डालेंगे। थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए, तेल गरम हो गया है। अब इसको प्याज कम डालेंगे इसमें। ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है प्याज से मिलते हैं। हमने अच्छी तरह फेंट लिए। इसमें शाम का कौरमा मसाला डालेंगे, पूरा पैकेट डालेंगे। 1 किलो गोश्त का बना रहे हैं। शाम घर का मसाला भी डाल के 1/2 चम्मच हल्दी दी हमने। एक चम्मच पीसी हुई लाल मिर्च, एक चम्मच धनिया लिया। ये वाली चम्मच लिए जो हमने मसालों में होती है ना, मसालों के डब्बे में, वो वाली चम्मच लिया हमने। और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि पैकेट में भी नमक होता है, तो इसलिए हम 1/2 चम्मच इसमें डालेंगे। शाम पैकेट में भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक रखे करें। इसको हम फेंटेंगे खूब अच्छी तरह ताकि मसाले मिक्स हो जाए दही में। देखिए मसाले मिक्स हो गए दही में अच्छी तरह। बस दूसरी तरफ प्याज ब्राउन गोल्डन होने के लिए, गोल्डन हो चुकी है प्याज, इतनी हमने गोल्डन रख ली है। ज़्यादा गोल्डन नहीं करनी, फिर वो काला हो जाता है कौरमा। हम इतनी रखेंगे, इसको निकाल लेते। ये हमने एक प्लेट ली, इस पर टिश्यू पेपर रख लिया, अब हम इससे निकाल लेते। निकाल लिए प्याज को। हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, दो मिनट के लिए हम इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट से भुनेंगे अच्छी तरह ताकि इसकी खुशबू गोश्त में फैल जाए, मिक्स हो जाए। गोश्त भी अच्छा हल्का सा गोल्डन हो जाए। देखिए गोश्त का रंग चेंज हो गया। इसको हमने 2 मिनट लहसुन अदरक की पेस्ट अच्छे से भुना है। अब इसमें हम ये मिक्स गरम मसाला है, इसमें तेज पाते लौंग है, 8-10 लौंग है, दालचीनी है, 8-10 2 बड़ी इलायची है, सब्ज़ी इलायची, काली इलायची है,
ये दालचीनी है और जीरा है ये सफ़ेद, और ये सब्ज इलायची है, चार पाँच दाने सब्ज, सारा जाएगा। ये मसाला हमने जो तैयार करके रखा था दही में, थोड़ा इसमें पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा, ताकि ये पतला हो जाए थोड़ा। ये मसाला गोश्त में डालेंगे, ये मसाला हमने पूरा डाल लिया गोश्त में, इसको थोड़ा भुनेंगे। ऑयल ऊपर आ जाए, फिर इसको हम कुक करने के लिए रख देंगे 20 मिनट के लिए। मसाला भुनने में आ रहा है, घी ऊपर आने, ऑयल ऊपर आने लगा है। इसको हमने ऑयल में बनाया, आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये दूसरी तरफ हमने ये प्याज ली थी, इसको गोल्डन थी, देखिए कितनी अच्छी गोल्डन थी, इसको हम मैंने चूरा कर लेते हाथों की मदद से ना। चूरा कर लिया, इसको अच्छी तरह चूरा कर लिया, अब मैं इसको डालूंगी। हम डालेंगे गोश्त में, डालेंगे ताकि ये भी गोश्त के साथ ही गल जाए। और भी अपने घर में बना लेंगे, देगी कौरमा जैसा है ये, शादी वाला देगी कौरमा होता ना वैसा बना। देखिए इसको भूनते हुए 10 मिनट हो गए, कम से कम हमें इसको 10 मिनट भूना है अच्छी तरह। इसका ऑयल भी देखिए ऊपर आ गया है, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है कौरमे की। इसमें हम 2 गिलास के करीब पानी डालेंगे गोश्त गलने के लिए। हमने इतना ही पानी रखेंगे इसमें, फिर गोश्त को गलाएंगे। और सीटी रख दी है और थोड़ी तेज कर दी, आग तेज कर दी हमने, ताकि ये हो जाए 20 मिनट के लिए। इसको कुक करेंगे गोश्त को गलाएंगे 20 मिनट बाद आपसे मिलते हैं। ये 20-25 मिनट कर लिए, अब देखते हैं गोश्त गला या नहीं गला। देखिए कितना अच्छा कौरमा बना है। ये देखिए गोश्त अच्छी तरह गल गया, फूट रहा है। थोड़ा इसका कौरमे का पानी खुश करते, थोड़ी देर में होता है 5 मिनट में पानी खुश हो जाएगा इसका, फिर आपसे मिलते। ये देखिए कितना ज़बरदस्त देगी कौरमा तैयार है। बस हमें इतना ही गाढ़ा रखना है, चूल्हे को बंद करते और डिश ऑफ करते।
देखे कितना इतना अच्छा दानेदार कौरमा तैयार है। ये देखिए जैसा कौरमा हमने तैयार किया है, गार्निश के लिए हमने हरी मिर्च काम किए, इसमें धनिया नहीं जाएगा, लहसुन मिर्च जाएंगे। ये देखिए बीफ कोरमा रेडी हो चुका है, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। और आप भी अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब हम इस वीडियो को यहीं सेंड करते हैं, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलेंगे आपको नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।